तो हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। तो हियर इज द अपने दिल के टुकड़े दो दोस्त। तो बाकी लोगों का आना बाकी है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कितने लोग इकट्ठे हुए। तो हम लोग बैठ चुके हैं, तो हमें गाड़ी मिल चुकी है और पूरे पैक सिस्टम है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम है और ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है। बाइक वाला बेचारा, एक बाइक बंद हो गया बाइक वाले का। और तो अभी बीच में पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक लग चुका है। तो भाई साहब इतना नैरो रोड, और देखिए सिंगल वे में गाड़ियां फंस गई है, सिंगल रोड में पूरी गाड़ियां फंस चुकी है। और आगे तो क्या ही, मैट्रेस डाला ना बस के ऊपर भाई, वो फट गए आधे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा पेड़ पेड़ है इधर उधर और आधे काम हो चुका है जिसने भी ले गए ना। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 7 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल सावन का महीना चला है और सारे जा रहे हैं भोलेनाथ के वहाँ, तो हम लोग भी जा रहे हैं आज जय बिजली महादेव के पास। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग कुल्लू बस स्टैंड और अपने दोस्तों से मिलेंगे, और उसके बाद प्लान बनाएंगे बस में जाना है या टैक्सी में। तो चलिए सीधे मिलते हैं कुल्लू बस स्टैंड और जाते हैं भोलेनाथ के पास। जय भोलेनाथ की, जय बिजली महादेव की। तो हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। तो हियर इज द अपने दिल के टुकड़े दो दोस्त। तो बाकी लोगों का आना बाकी है, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कितने लोग इकट्ठे हुए सुबह, है ना भाई। सारे लोग ना काम करने के लिए ऐसे सुबह सुबह ही आ गए हैं, और हम लोग सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने। इतने लोग ना, इतना क्राउड सुबह सुबह ही। तो फिलहाल हम लोग वेट करें मोहित भाई का, और एक दो लड़कियां आ रही है शायद अपने नितेश भाई की फ्रेंड, पता नहीं कौन है, अभी देखेंगे। तो मिलाते हैं फिर सीधे बस में बैठते हैं। और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, एक बस तो ऑलरेडी पैक हो चुकी है, अभी दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, वो भी एक घंटे बाद है। तो चलिए वेट करते हैं, जैसे ही सब आते हैं फिर मिलवाते हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं लेकिन बस मिलने वाली है नहीं, तो हम लोग टैक्सी देख रहे हैं, और टैक्सी के साथ रेट की कुछ बन नहीं रही है, तो अभी बनवा रहे हैं, कहीं पर फ़ोन लगवा रहे हैं, अपने अप्रोच लगवा रहे हैं। जैसे अप्रोच लगती है सारी चीज़ें बनती है, उसके बाद देखते हैं। तो ये अपने सारे दोस्त लोग आ चुके हैं, तो चलिए गाड़ी का प्रबंध करते हैं, उसके बाद मिलते हैं सीधे गाड़ी में। तो हम लोग बैठ चुके हैं, तो हमें गाड़ी मिल चुकी है और पूरे पैक सिस्टम है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत पैक सिस्टम चला है, बट चलेंगे जैसे भी है। तो देखिए अपने जो अभिषेक भाई है वो गियर के ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल एज के ऊपर। तो गियर के ऊपर भी कभी कभी बैठ जाना चाहिए, अच्छी वाली बाइक साथी है। ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है, बाइक वाला बेचारा, एक बाइक बंद हो गया बाइक वाले का, और हेल्प कर रहा है उसका साथी, और बीच रास्ते में खड़ा हो गया बाइक, देखिए तो बहुत लंबा ट्रैफिक लग चुका है, इसके धक्का मार रहा है, देखिए चलिए हेल्प कर रहा है बेचारा, देखिए उसके, चलो चलो निकल गया भाई। ऐसे हेल्प करने वाले बंदे चाहिए, नहीं तो कोई पीछे बैठा होता ना, वो ऐसे ही बैठा रहता है, और इस बेचारे ने हेल्प कर ली और ट्रैफिक नहीं, बीच में फिर फंस गए भाई वो देखो फिर फंस गए, बाइक खराब हो गई दोस्तों ने, क्या अब फिर धक्का दे रहा बेचारा। ये छोटी सी गलती की वजह से ये बाइक से छुटकारा मिला, और सामने आ चुके ब्लेनो और ये फंस चुके अच्छी खासी भाई। ऐसे जब भी ऑफ रोड में जाते हैं ना हम लोग, मतलब बहुत सी सिचुएशन आ जाती है, इनका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम है, तो देख देख के चलाते हैं। चलिए अभी यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा, तो इधर थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि चक्के जाम हो चुके, और यहाँ भी हेल्प करने के लिए उतर चुके हैं लोग, देखे अभी आगे जाके सिचुएशन देखेंगे और हो। तो अभी बीच में पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक लग चुका है, इधर तक देखिए बिल्कुल आगे तक ट्रैफिक लगा है, और यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है, हम लोग कम से कम भी 20 से 25 मिनट से खड़े हैं, और अभी ज़्यादा मतलब और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए वेट करते हैं, जैसे ही खुलता है तभी जा पाएंगे आगे की तरफ। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पसीने निकल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बंदा दो दो टी शर्ट लगा के आया है, और ये क्या किया भाई, किसने थूका है, किसने थूका है, स्पेड थूक किसका है। अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं कहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक लगा है, आगे क्या फंसी है। ओ भाई साहब इतना नैरो रोड, और देखिए सिंगल वे में गाड़ियां फंस गई है, सिंगल रोड में पूरी गाड़ियां फंस चुकी है, और आगे तो क्या ही हाल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो सिंगल रोड है और पूरी गाड़ियां फंस चुकी है, चार दिन हो गए भाई, चार दिन हो गए। यहाँ पे देखिए बीच में एक बस भी फंस चुकी है,
और उससे आगे पता नहीं क्या क्या फंसा है। और बस देखिए अच्छी खासी फंस चुके हैं यहाँ पे। वो एक यहाँ पे देखिए स्टार, कैसे हो भाई? तो देखिए पूरा रास्ता पैक है, कम से कम भी ना 2 से 3 किलोमीटर पूरा पैक है भाई। ये भाई अच्छा खासा जाम लग चुका है और बिल्कुल लास्ट तक हम लोग जा रहे, देखते जा रहे, थोड़े थोड़े गाड़ियां हटाते हैं तभी जाम खुलेगा, नहीं तो भाई दिन भर यहीं पे बैठना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं तभी कुछ ना कुछ होगा, वरना तो भाई दिन भर सोचो यहीं पे सीन खत्म हो जाएगा। बहुत आगे तक है, देखिए सिंगल रोड है और पूरी पूरी गाड़ी आ जाती है। ओ भाई बहुत लंबा जाम है आगे तक। यहाँ का सीन ये है ना कि सिंगल रोड है और पूरी गाड़ी आती है पूरे रास्ते में, और आगे से एक भी गाड़ी आ गई तो बीच में फंस जाती है और पास लेने के लिए बिल्कुल बहुत कम जगह है। तो अभी देख रहे हैं धीरे धीरे करके कुछ बनता है तो, बट टाइम लगने वाला है बहुत यहाँ पे। तो देखिए अभी धीरे धीरे करके निकल रहा है जाम, तो काफ़ी निकल चुका है देखिए, तो आगे पीछे करके ना निकल जाएगा ट्रैफिक थोड़ी देर में। तो देखिए धीरे धीरे करके सारा जाम निकल रहा है और दो ब्लॉगरों को देखो यहाँ पे रास्ते से नीचे जाके ब्लॉग बना रहे हैं। क्योंकि मैट्रेस डाला है ना बस के ऊपर भाई, वो फट गए आधे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारा पेड़ पेड़ है इधर उधर और आधे तो काम हो चुका है। जिसने भी ले गए ना बेचारे उसको आधे फटे मिलेंगे घर पे जाके। तो देखिए अभी ट्रैफिक खुल चुका है धीरे धीरे करके और हम लोग भी जाते हैं अपनी बस के पास, सॉरी अपनी गाड़ी के पास और बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेट हो जाए बाद में और सीन हो जाएगा फिर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ी सी ऊपर तक जाएगी गाड़ी लेकिन अभी बहुत ट्रैफिक है तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए सारे उतर रहे और निकलते हैं और अपनी पैदल ट्रैक यात्रा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भाई धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत गर्मी हो चुकी है अभी।